नमस्ते, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 3 सामाजिक। अपना अध्याय है दिल्ली के सुल्तान, कि दिल्ली के सुल्तान कौन कौन और कब कब बने थे, इसके लिए कैसे वो राजधानी बनी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि दिल्ली के शासक कौन कौन बने। इसके लिए हम एक तालिका देखना चाहते हैं, उस तालिका में ये दिल्ली के शासक, तालिका नंबर 1। सभी बहने अपनी कॉपी में निकाल लेंगी। तो दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर था वो 12वीं शताब्दी में बना। कब बना था? 12वीं शताब्दी में। अब दिल्ली के शासक कौन कौन थे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अपनी किताबें बहनों ने निकाल ली होगी। तो सबसे पहले जो दिल्ली में थे वो राजपूत वंश थे। राजपूत वंश कब कब थे और कौन कौन थे? तोमर और चौहान। तोमर में कौन था? अनंगपाल। और चौहान में पृथ्वीराज चौहान। इसका शासक कब था? आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से शुरू हुई थी। अनंगपाल ने 1130 से 1145 तक, और जो चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने 1175 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में राजपूत वंश के बाद में जो था अगला शासक हमारा, प्रारंभिक तुर्की शासक थे। कौन थे? प्रारंभिक तुर्की शासक, जिन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया था। इसमें जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, 1210 से 1236, और रजिया 1236 से 1240, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसमें प्रारंभिक तुर्की शासक था। इसी दौरान को क्या बना था? ये मकबरा। किसका? इल्तुतमिश का मकबरा बना था। उसके बाद में आता है खलजी वंश। खलजी वंश 1290 से 1320 में था। इसमें कौन कौन शासक थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी में ने 1290 से 1296, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक। उसके बाद में आता है तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1414 में, इनके अंतर्गत जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, वो कौन कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 1320 से 1324, 1324 से 1351, 1351 से 1388 में शासन किया। इसी दौरान अलाई दरवाजे का निर्माण हुआ था। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451, इसमें था ख्रिज खान, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया था। उसके बाद था लोदी वंश। लोदी वंश में बहलोल लोदी महत्वपूर्ण, जो 1451 से 1489 तक शासन किया था। ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये ठीक है। ये थे दिल्ली के शासक। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे और कहां से मिलती है, बस इसी की अपन इसमें चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला, इसके माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें तारीख, इतिहास तारीख जो एक वचन, त्वारिक बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासक में, शासक काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि दिल्ली कब महत्वपूर्ण शहर बनी, 1212वीं शताब्दी में बनी थी, और कौन कौन से शासक थे दिल्ली के, उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।